मैं रेनू ललवानी, मैं जलगांव से हूँ। ये मेरे हस्बैंड है आनंद ललवानी। मुझे 25 सालों से डायबिटीज़ है और इनको बीते 5 सालों से डायबिटीज़ है। हम लोग जीवनसाथी.com के थ्रू मिले थे। तो कैसा है, ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ पर्सन को मैरिज में प्रॉब्लम नहीं जाता है, जाता है। बट मेरा ये सजेशन रहेगा, लेकिन अगर हम अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज करें, डायबिटीज़ के जो 4 पिलर्स हैं, डायबिटीज़ मतलब इंसुलिन, एक्सरसाइज, डाइट और प्रॉपर जो भी है मैनेज करें, तो आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छे से जा सकती है। अप्स एंड डाउन्स तो सभी की लाइफ में आते हैं, बट हम दोनों ने आपने मैंने ये सीखा है कि एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करना चाहिए। अगर ये कहीं गलत होते हैं तो मैं इनको सपोर्ट करती हूँ और मैं ही कहीं गलत होती हूँ। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज मतलब हमने एक्सेप्ट करना कि हमारी गलती है, तो आप लाइफ में बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे। एंड डायबिटीज मतलब इतना भी प्रॉब्लम नहीं, बट सम टाइम्स प्रॉब्लम जाता है। तो ऐसा है कि कभी कभी आप अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा मोटिवेट अगर आपके पेरेंट्स आपको करें, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलती। तो आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए कि आपको मोटिवेशन मिलते रहना चाहिए। तो मुझे क्लब वन डायबिटीज से आज जैसे आप लोग आए हैं नूरपुर जिसमें सोनू, तो आपसे मिलकर इतना अच्छा लगा कि मतलब अब मुझे और मेरे सबसे रोल मॉडल है डॉक्टर विजय अजगांव का। मतलब मैं आफ्टर मैरिज बहुत डिप्रेशन में जा रही थी, बट उन्होंने कहा कि इट्स नॉट अ बिग डील। तो उसके बाद से जो मेरा लाइफ काफ़ी चेंज हो गया और मैं अभी आपको बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ। और ये मेरे हस्बैंड आनंद ललवानी। मुझे भी डॉक्टर अजगांवकर सर ने ही मतलब जीना सिखाया है। मैं तो डायबिटीज़ को लेकर मैं बहुत नर्वस था और मुझे लगता था बस मेरी लाइफ एंड है, इसके बाद मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। बट मुझे पार्टनर के रूप में इतना अच्छा जीवन साथी मिला, उसके बाद इन्होंने मुझे डॉक्टर साहब से मिलाया। उनको मिलने के बाद मुझे मतलब डायबिटीज़ के लिए पूरा चेंजेस आ गया मेरे इसमें, कि ये अपनी बॉडी में आ गया, बस उसको मैनेज करना है। उसको जिस तरीके से आप जितना अच्छे से वो मैनेज करना चाहेंगे, उतनी अच्छी लाइफ आपको मिलेगी। इवन मैंने ये समझा है कि एक नॉर्मल पर्सन से भी डायबिटीज पर्सन 10 साल ज़्यादा जी सकता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं हमारी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या हमको इसके साथ ट्रीट करना है। एक नॉर्मल आदमी को ये नहीं पता चलता, उसको एकदम सडनली अटैक आया, कुछ आ गया, तब पता चलेगा उसको डायबिटीज 2 साल से था, 1 साल से था या 6 महीने से था। हमें पता है कि डायबिटीज़ है, हमें कितना खाना है, कितना इंसुलिन लेना है, इन सब चीज़ों को अगर हमने मैनेज किया, तो मुझे डॉक्टरों ने पता है कि हम एक नॉर्मल पर्सन से 10 साल ज़्यादा जी सकते हैं। क्योंकि रीज़न है कि हम इंसुलिन बाहर से ले रहे हैं, तो बॉडी नहीं दे रही तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम उसका मैनेजमेंट करें तो बट ऑब्वियसली हम उससे ज़्यादा जी सकते हैं। बस अपने आप को खुश रखना है, स्ट्रेस से दूर रहो। और मेरा एक ही कहना है कि डायबिटीज़ होने के बाद परिवार और फ्रेंड्स उनको सपोर्ट करें, तो बट ऑब्वियसली वो अच्छा लाइफ जी सकते हैं।